तो बस अब कुछ रॉ और स्मैकडाउन के शोज बाकी रह गए हैं, फिर होने वाला है इस ईयर का मनी इन द बैंक 2021। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के इस ईयर के मनी इन द बैंक 2021 के शो के बारे में करेंगे बात, जिसके लिए डेफिनेटली हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। शो बहुत ज्यादा कमाल का होगा। यहां पर आने वाले लाइव फैंस वापस, ऑलरेडी कुछ बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके हैं और वह रिसेंटली हर मैच का कौन सा विनर होगा इसको लेकर कुछ स्पेकुलेशन आ चुके हैं सामने, और उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। एक तरह की आप इसे अर्ली स्पॉयलर्स प्रेडिक्शन कह सकते हो या फिर जो भी कह लो भाई, मजा आने वाला आपको इस वीडियो के अंदर, बस देखना वीडियो को एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पड़ोसी मारेंगे मुझे, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते सबसे पहले रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के साथ में, जो कि कंफर्म हुआ मनी इन द बैंक के शो के अंदर। और एक बार फिर द ब्रूटैलिटी रिया रिप्ले को अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा था पिछले हफ्ते रॉ के एपिसोड के अंदर कि मे बी जो शार्लेट फ्लेयर है वो रिप्लेस होंगी मनी इन द बैंक के शो में, लेकिन आखिरी बार एक बार फिर से वही ड्रामेबाजी होती है, दोनों के बीच एक ब्रॉल होता है और कुछ इस तरीके से इन दोनों का मैच स्टिल ऑफिशियल है मनी इन द बैंक के शो के लिए। बात रहती विनर के बारे में, तो अभी फिलहाल जो स्पेकुलेशन आई है सामने वो डेफिनेटली आपके दिमाग से मैच खा रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर का चांस नहीं है। और भाई स्पेकुलेशन का भी मानना ये है कि रिया रिप्ले इस मैच में अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को हमें रिटेन करती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते और इस बार ये होने वाला है स्मैकडाउन की तरफ से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, और इस बार ये हेल इन अ सेल शो से भी ज्यादा बेहतर मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर बियांका बेलेयर को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा बेली के खिलाफ। और इस बार ये मैच होने वाला है एक आई क्विट मैच, मतलब समझ रहे भाई क्या लेवल है इस मैच का, आई क्विट मैच होने वाला है और वो भी लाइव फैंस के सामने। धांसू एक्शन होगा इस मैच के अंदर और ये मैच डेफिनेटली वन ऑफ दी बेस्ट मैच होने वाला है उस नाइट का। और बात रही बेली के बारे में, हम जानते हैं भाई बेली कितनी अच्छी सुपरस्टार है, उन्होंने बड़े से बड़े सुपरस्टार को हराया, लेकिन अभी फिलहाल बियांका बेलेयर अपनी चैंपियनशिप की रोड पर है और उनके सामने कोई भी अगर व्हीकल आ रहा है भाई उसको उड़ा के ले जा रही बियांका बेलेयर। अब बात आती है इस मैच के विनर की, तो अभी फिलहाल जो स्पेकुलेशन आ रही है सामने डेफिनेटली वो आप सभी को सरप्राइज कर देंगे, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि मे बी बियांका बेलेयर इस मैच के अंदर हार सकती है और आई क्विट मैच में जीत हो सकती है बेली की और वो बन सकती है न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। अब माना जा रहा है कि WWE में फिलहाल दो मैचेस कंसीडर कर रही है समर स्लैम के लिए, एक मैच सिंगल्स मैच है बियांका वर्सेस शाशा के बीच में और जो दूसरा मैच है वो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला, जहां पर बेली के पास टाइटल होगी, सामने उनके होने वाली शाशा बैंक्स और साथ में इस मैच में बियांका बेलेयर होंगी और एक बार फिर लाइव फैंस के सामने बियांका बेलेयर हमें चैंपियन बनती हुई नजर आएंगे। और डेफिनेटली WWE की कुछ बड़ी वेटरन बेली और शाशा बैंक्स को एक ही मैच के अंदर हराना एक बहुत ही बड़ी चीज होगी बियांका बेलेयर के लिए। अभी फिलहाल ये जो प्लान्स कंसीडर हो रहे हैं इसलिए माना जा रहा है कि मे बी एक टाइटल चेंज हो सकता है मनी इन द बैंक के शो में और वो होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का, और बेली हमें साइक्विट मैच के अंदर हराते हुए नजर आ सकती हैं बियांका बेलेयर को। नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं, इस बार ही होने वाला है इस ईयर मेंस का मनी इन द बैंक 2021 का लैडर मैच, ये भी बहुत ज्यादा कमाल का होगा। अभी फिलहाल जो कंफर्म पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें शामिल है अपने प्राइस फाइटर केविन ओवेंस, स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर, आरके ब्रो, रियल ब्रो, साथ में होने वाले रिकोशे होंगे अपने जॉनी ड्रिप ड्रिप और न्यू डे के पावर हाउस बिगी भी इसी मैच का हिस्सा होंगे। अभी काफी जल्दी आने वाले स्मैकडाउन के शो में दो और पार्टिसिपेंट्स इस मैच को करने वाले हैं ज्वाइन, और मेरे हिसाब से पहले मैच की बात करें वो होगा सेथ वर्सेस सेजारो के बीच में। अगर इस मैच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है तो डेफिनेटली यहां पर सेथ की विक्ट्री होगी, वरना सेजारो मुझे ऐसा लग रहा है इसके कारण क्वालिफाई इस मैच में होते हुए नजर आएंगे। बात रही दूसरे मैच के बारे में, वो शिंसुके नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बन के बीच में, और मुझे ऐसा लग रहा है शुदाई वाला अपना जो कॉर्बन है वो चालू रहेगा, क्योंकि किंग नाकामुरा इस मैच के लिए हमें क्वालिफाई होते हुए नजर आएंगे। और अभी फिलहाल जो मुझे फाइनल लाइनअप लग रही है वो होने वाले केविन ओवेंस, ड्रू मैकइंटायर, रिडल होंगे, रिकोशे, जॉन मॉरिसन, बिगी, सेजारो और नाकामुरा, क्योंकि मान लो अगर सेथ क्वालिफाई हो जाते हैं तो सेथ वर्सेस एज के मैच होने का समर स्लैम के अंदर आई डोंट थिंक सो कोई पॉइंट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी तरह एज के कारण सेथ रॉलिंस उस मैच को हारेंगे और जब वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, सेथ की जो फ्रस्ट्रेशन एज के लिए वो आप जानते ही हो, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई घोटाला होने वाला है फिर एज के साथ में और समर स्लैम के अंदर फिर जाके ये मैच होगा, वरना मेरे हिसाब से कोई सेंस बनेगा नहीं कि सेथ मनी इन द बैंक के अंदर एंटर हो जाएंगे और अपने जो सेजारो हैं वो भी फिलहाल बाहर रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है WWE स्टिल सेजारो को यूटिलाइज करेगी और सेथ वर्सेस एज के फ्यूड को एक बेहतर फ्यूड बनाने के लिए मे बी सेथ क्वालिफाई नहीं होंगे। बात आती है विनर के बारे में, अब पता नहीं भाई मैं कहीं निकल गया, मतलब कौन सी बातें करने लग गया। अभी फिलहाल जो स्पेकुलेशन भाई आ रही है सामने, उनके हिसाब से जो टॉप विनर होने वाला इस लिस्ट के अंदर उसमें शामिल होंगे अपने प्राइस फाइटर केविन ओवेंस। पहले सेथ का नाम आ रहा था, लेकिन जब ये बात सामने
सामने है कि मे बी सेथ क्वालिफाई नहीं होंगे, तो केविन ओवंस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है विनर के अंदर। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वो है ड्रू मैकइंटायर का। थर्ड पे नाम सामने आ रहा है अपने रिडल का। माना यह जा रहा है मे बी WWE एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चला सकती है और रिडल मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को जीतने के बाद वो हैंड ओवर कर सकते हैं, वो गिफ्ट कर सकते हैं उनके ओरिजिनल ब्रो रैंडी ऑर्टन को, और रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली उस गिफ्ट से काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे ब्रो। इसके बाद जो चांस आ रहा है वो आ रहा है बिगी का, फिर सिजारो का, और इसके बाद चांस आ रहा है नाकामुरा, फिर जॉनी ड्रिप ड्रिप, और आखिरी में अपने रिकोशे। अभी फिलहाल ये वो कुछ स्पेकुलेशंस के विनर हैं जो कि सामने आए हैं, और माना ये जा रहा है कि केविन ओवंस का डेफिनेटली एक अच्छा चांस है क्योंकि वो जीतने के बाद किसी तरीके से रोमन पर या फिर कैश इन वो कर सकते हैं लैशली के ऊपर ताकि वो चैंपियन बन पाए। मैकइंटायर का चांस इसलिए कम लग रहा है क्योंकि माना ही जा रहा है वो ड्राफ्ट के अंदर हमें स्मैकडाउन में आते हुए नजर आएंगे। रिडल का चांस इसलिए ताकि WWE स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सके, और बिगी का माना ये जा रहा है हो सकता है सिंगल्स मैच, और मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस की उन्हें जरूरत नहीं है। बाकी देखते क्या होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई बिगी का अच्छा चांस है, बिगी का तगड़ा चांस है इस मैच के अंदर जीतने का, जिस तरीके से पहले स्टोर लाइन आ रही थी सामने कि बिगी वर्सेज लैशली भी पॉसिबल हो सकता है समर स्लैम 2021 के अंदर। नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं, इस बार वुमेन्स का मनी इन द बैंक लैडर मैच होने वाला है इस ईयर का। यहां पर अभी फिलहाल जो कंफर्म पार्टिसिपेंट्स है उसमें शामिल है ज़ेलिना वेगा, आस्का, नायोमी, अपनी एलेक्सा ब्लिस भी इसी मैच का होने वाले हिस्सा, वो मैच को बनाएंगी थोड़ा भूतिया। साथ में सुपर वुमन निकी एश, निकी क्रॉस भी होने वाले कार्मेला होंगी, और मे बी जो बाकी पार्टिसिपेंट्स बची है उसमें लिव मॉर्गन भी एक नाम हो सकता है। बात आती है विनर के बारे में, तो अभी फिलहाल जो स्पेकुलेशन आ रहे हैं सामने उनके हिसाब से जो इस मैच के अंदर विनर होने वाला है डेफिनेटली एक प्रेडिक्टेबल विनर होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि एलेक्सा ब्लिस इस मैच के अंदर मिसेस वुमेन्स, मिसेस कहते हैं जो भी कहते हैं, वुमेन्स मनी इन द बैंक का जो लैडर मैच है वो जीतती हुई नजर आएंगी। अब एलेक्सा ब्लिस का इस मैच के अंदर जीतने का चांस सबसे ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि भाई WWE के पास ज्यादा कुछ अब करने के लिए बचा नहीं एलेक्सा ब्लिस के पास में, तो अगर मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस उनके पास आ जाएगा तो डेफिनेटली एलेक्सा ब्लिस का ये वाला जो करेक्टर है वो हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। WWE के पास काफी सारे आइडियाज होंगे उनके लिए। अब जो इसके बाद नाम सामने आया है वो है ज़ेलिना वेगा का, फिर निकी एश, निकी क्रॉस कह सकते हो, फिर आर नायोमी का, फिर होंगी अपनी आस्का, फिर है कार्मेला, और उसके बाद अपने लिव मॉर्गन का है इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा कम चांस। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, और ये होने वाला मंडे नाइट रॉ की तरफ से WWE चैंपियनशिप का मैच, द डोमिनेटर बॉबी लैशली वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में। अब कोफी किंगस्टन की अगर आपको याद होगा जो उनका WWE टाइटल पूरा फ्यूड था डैनियल ब्रायन के साथ में, उस मैच के अंदर उस फ्यूड के अंदर पूरी जो परफॉर्मेंस आई थी कोफी की, आई थिंक उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कोफी सिंगल्स मैच के अंदर या फिर जो मेन इवेंट टाइप के मैचेस होते हैं उसके अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। तो डेफिनेटली ये मैच भी एक शो स्टीलर मैच रहेगा, लैशली की पावर सामने कोफी की तेजी और दिमागदारी, देखने मजा आएगा कौन जीतता है, क्या बॉबी लैशली की ताकत इनफ होती है कि वो कोफी को इस मैच के अंदर हरा पाए। और इस मैच की बात करें तो भाई रिंग साइड पर होने वाले अपने MVP और एक्सेवियर वुड, माना यह जा रहा है कि इस मैच के अंदर अभी फिलहाल स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग बॉबी लैशली एक धांसु मैच के बाद, एक 15 से 20 मिनट वाले मैच के बाद हमें जीते हुए नजर आएंगे। मैच कोई स्क्वैश मैच नहीं होगा कि भाई लैशली आए, उन्होंने स्पीयर लगाया, उन्होंने हर्ट लॉक लगाया और बूम काम तमाम, 5 मिनट में कोफी अपने निपट गए, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। इस मैच के अंदर कोफी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल होंगे इस मैच के अंदर जीतने के लिए, क्योंकि बॉबी लैशली की जो ऑल माइटी टाइटल रेन है वो कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट एंड फाइनल मैच के बारे में बात करते हैं, और इस बार ये होने वाला है इस ईयर का मेरे हिसाब से मनी इन द बैंक का अभी तक का सबसे बड़ा मैच, और ये मैच होने वाला है द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस WWE हॉल ऑफ फेमर द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बीच में। एज वर्सेस रोमन रेंस 1-on-1 मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लाइव फैंस के सामने मनी इन द बैंक में। आई थिंक ये कुछ लाइंस आपको जरूर हाइप कर रही होंगी इस मैच के लिए कि हाँ भाई डेफिनेटली ये मैच कमाल रहने वाला, धमाल रहने वाला है। रोमन की परफॉर्मेंस हमने रिसेंट टाइम में देखी है, उन्होंने ब्रायन और एज को एक साथ हराया था रेसलमेनिया के शो के अंदर, लेकिन इस बार जो एज की वापसी है थोड़ी डिफरेंट रूप में हुई है। एज इस बार काफी ज्यादा गुस्से में है, इस बार पूरे तरीके से रिवेंज लेना चाहते हैं रोमन से, और वो चाहते ये हैं कि सिंगल्स मैच के अंदर वो हमें इस मैच में रोमन को हराते हुए नजर आए। और जैसा मैंने कहा डेफिनेटली ये मैच सबसे बड़ा मैच है, तो ये शो का जो है मेन इवेंट होगा ही होगा। और अभी फिलहाल जो स्पेकुलेशन आ रही है सामने उनके अकॉर्डिंग इस मैच के अंदर अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज को एक और हार का सामना करना पड़ेगा और अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इस मैच के अंदर जीते हुए नजर आएंगे। ज्यादा चांसेस यही है कि इस मैच की जो एंडिंग है वो एकदम क्लीन एंडिंग होगी। रोमन को एक बड़ी विक्ट्री की जरूरत है समर स्लैम से पहले कि वो जॉन सेना के खिलाफ हमें स्ट्रॉन्ग बुक होते हुए नजर आए। इसलिए WWE क्या चाहती है इस मैच के अंदर जो रोमन है वो एक डोमिनेट वे में, वो एक अच्छे मैच के अंदर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी यू नो इंटरफेरेंस वगैरह के जीते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली इस मैच में अभी फिलहाल सेथ की इंटरफेरेंस नहीं मानी जा रही, माना यह जा रहा है कि जब रोमन टाइटल रिटेन करेंगे उसके बाद सेथ आएंगे
और फिर वो धज्जियां उड़ाने वाले हैं सेठ के रिंग के अंदर और अपने सेठ फ्रीकिंग रॉलिंस देने वाले हैं चैलेंज अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज को समर स्लैम 2021 के लिए। ये कुछ होने वाला भी फिलहाल रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग इस ईयर मनी इन द बैंक 2021 के शो के अंदर। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो नीचे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके कर दो बेल नोटिफिकेशन को ऑन ताकि आगे और भी कुछ आपको ऐसी कमाल की अपडेट चैनल पर जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।